दोनों टॉप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ये तो जिसका दिन हो वो चल जाता है, वैसे दोनों ही स्कोर करेंगे। एक्सपीरियंस को आजमाने चाहिए, ठीक है, जैसे फीस और मलिक को उन्होंने बैर बिठाया है, फीस और मलिक को खिलाने चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान। देखिए मुकाबला तो टफ होगा क्योंकि दोनों साइडेड आपको पता है कि इलेवन बहुत अच्छी हैं। कैप्टन तो कोहली है और बैट्समैन बाबर आजम। कोहली हो गया, जडेजा हो गया, इंडिया और लड़की लड़की हो गए, बहुत अच्छा गाला लगेगा, पर इंडिया जीत जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अहमद हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अता भट्ट। जैसा कि आपको पता है आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 का स्केड्यूल जारी हो चुका है। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत, इन दोनों का मैच भी अक्टूबर के मंथ में डिसाइड किया गया है। हम आज का हमारा ये क्वेश्चन रहेगा, पाकिस्तान और भारत में से कौन इस मैच को विन करेगा। पब्लिक से रिव्यूज़ जानेंगे और आपको आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा क्यों? इंशाल्लाह पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास बैटिंग अच्छी है, मिडल ऑर्डर थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन हफीज और मलिक के आने से वो भी अच्छा हो जाएगा। बॉलिंग अटैक हमारे पास बहुत ज़बरदस्त है, हमें रहेगा इंशाल्लाह कोहली और रोहित की विकेट लेगा। बाकी दिल तो चाहता है पाकिस्तान जीते अगर कम्पिटिटिव टीम हुई, लेकिन ज़्यादा जो चांसेज हैं इंडिया जीतेगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान, इंशाल्लाह पाकिस्तान। क्यों, कैसे? काफ़ी अच्छी टीम है, विराट कोहली से जो बाबर आजम है एज अ कंपेयर, ठीक है, एक्स्ट्रा जा रहा है उसे, सही है, ठीक है, माशाल्लाह हमारा जितनी भी बहुत अच्छा हो गया है। रिजवान और बाबर की अगर पार्टनरशिप चल गई है तो इसका मतलब वर्ल्ड में पाकिस्तान, बस उम्मीद करते हैं पाकिस्तान ही जीते यार। हाँ टीमें बहुत तगड़ी है, इंडिया वाली भी और पाकिस्तान वाली भी, पाकिस्तान वाली भी इंडिया वाली, पर इंडिया वाली के ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, विराट कोहली हो गया, जडेजा हो गया, इंडिया और लड़की लड़की हो गए, बहुत अच्छा गाना लगेगा, पर इंडिया जीत जाएगा इंशाल्लाह। बताओ कौन जीतेगा? इंडिया इंशाल्लाह। पाकिस्तान जीत जाएगा। क्यों जीतेगा, कैसे जीतेगा भाई? इंशाल्लाह हमारे पास इतने माशाल्लाह बॉलर्स हैं, बैट्समैन है, इंशाल्लाह जीत जाएगा इंशाल्लाह। आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, कौन विन करेगा? पाकिस्तान ही विन करेगा, आपको पता है पाकिस्तान ही जीतेगी, हमारी दिलों की जान है पाकिस्तान। क्यों? क्यों, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा वतन ही पाकिस्तान है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र हम सपोर्ट भी उसको करते हैं। सही, 50-50 है। 50-50 है क्यों? उनके पास भी बैट्समैन है, कोहली है, रोहित शर्मा, हमारे पास बाबर आजम, रिजवान, ओपनिंग हमारी कुछ वीक है। इंडिया ही जीतेगा, हमारा पाकिस्तान तो बहुत बकवास टीम है। अच्छा, इंडिया क्यों जीतेगा? इंडिया इसलिए जीतेगा क्योंकि उसके पास पावर है, बैटिंग की पावर है वो। और बॉलिंग भी उसकी बहुत अच्छी है, हमारी तो पाकिस्तान पैसे खाते हैं, इतने पैसे खा के मैच हरवाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान, पता नहीं कौन जीते, मां नहीं कोई। पाकिस्तान क्यों जीतेगा? पाकिस्तान हर रोज जीते है, हर टाइम जीते है, तो पाकिस्तान क्यों जीतेगा? पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के प्लेयर भी अच्छे है। अच्छा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है। अच्छा, कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग लेवल जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए मुकाबला तो टफ होगा क्योंकि दोनों साइडेड आपको पता है कि इलेवन बहुत अच्छी हैं, जैसे कि पाकिस्तान की अभी जो है अच्छी टीम है, यंग प्लेयर्स की टीम है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान इस दफ़ा प्लेयर अच्छा कर जाएगी, प्लेयर अच्छा कर जाएगी। आप किस हवाले से देखते हैं, मतलब एक्साइटमेंट लेवल आपका कहाँ पे होता है जब मैच होता है, और अभी अपकमिंग मैच है क्योंकि बहुत अरसे बाद मैच हो रहा है, तो कैसे इस मैच को देखते हैं? हम तो खुशी से देखते हैं क्योंकि हमारा है अभी, हमारी इंडिया से लगती भी नहीं है, वो हमें पसंद ही नहीं करता, हम उनको पसंद नहीं करते। अच्छा। तो हम जज्बे से हम मैच देखते हैं कि पाकिस्तान जीते। तब आपकी एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं ड्यूरिंग मैच? नहीं, एक्सप्रेशन तो अच्छे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम अगर कम्पिटिटिव हुई फिर मैच अच्छा होगा। अच्छा। जैसे हालात चल रहे हैं वैसे तो मुश्किल है पाकिस्तान को उनको कम्पीट कर पाना, क्योंकि इंडिया की टीम इस टाइम अच्छी कंडीशन में है, बहुत जोश होते हैं, जब चक्का मारते तो उछल जाते हैं। आपकी एक्साइटमेंट लेवल क्या है? बस जोश होता है बंदे का, जैसा आज है आप बैठे होते हैं, छक्का ना लगे तो बंदे को रोना आ जाता है। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान को ही करेंगे। और एडमिट लेवल इस दफ़ा सोचा हुआ है कि स्क्रीन लगाएंगे बाहर गली में, सारे दोस्त इकट्ठे किए हुए हैं, बस यही एक्साइटमेंट होती है और क्या होती है, आप इकट्ठे बैठ के देखेंगे। बस एज अ नेशन यही वो करते हैं, स्पोर्ट्स की भी अपनी टीम को सपोर्ट करें, ठीक है,
अपनी टीम के लिए मतलब जितनी दुआएं कर सकें, और इंशाल्लाह उम्मीद भी यही करते हैं कि हमारी टीम जीते और ख़ास तौर पर इंडिया को लाजमी हराए। हाँ भाई, हाँ बस पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए एक्साइटेड। हम तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। इंडिया वालों को हम बताएँ, वो बहुत चुत चुत करते हैं, उनको हम बताएँगे फिर बाप कौन होता है। कैप्टेंसी की अगर बात की जाए पाकिस्तान और इंडिया की, कौन सा कैप्टन जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे, विराट कोहली या बाबर? विराट कोहली को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत साल से खेल रहे हैं और उनकी कप्तानसी अच्छी है। बाबर अभी कप्तानी पे आया। अच्छा, बाबर को क्या करना चाहिए तो उसकी कैप्टनसी में थोड़ी इंप्रूवमेंट आ सके? अभी उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके साथ मलिक और रफीज होंगे, एक्सपीरियंस होगा, सीखेगा तब सही खेले। ठीक है, आप क्या कहते हैं? बाबर आजम। बाबर आजम क्यों? क्योंकि बाबर आजम वैसे भी ओडीआई में नंबर वन प्लेयर है और टेस्ट में भी तकरीबन छठे सातवें पे आओ, T20 में दूसरे या तीसरे नंबर पे आओ। बाबर मज़े के, बाबर की ड्राइव और कप्तानी इसको दी है, अभी मैच भी जीते हैं कप्तानी की वजह से। कोहली भी अच्छा वो है कप्तान, उसकी बात तो नहीं, वो भी अच्छा बैट्समैन है। इन दोनों का लेवल आपस में बनता है। ठीक है, दोनों टॉप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ये तो जिसका दिन हो वो चल जाता है, वैसे दोनों ही स्कोर करेंगे। स्कोर के वाला कैप्टेंसी की बात अगर की जाए तो दोनों में से कौन किसको? उसमें तो बाबर बहुत इमेच्योर है। अच्छा। कोहली जोन से बोल्ड कैप्टन है, विनिंग रेशो उसकी अच्छी है, तो ये चांस है। बाबर आजम। बाबर आजम क्यों यार? उसके स्टैट्स अभी अच्छे चल रहे हैं। स्टैट्स अच्छे चल रहे हैं। बाबर आजम ऑब्वियसली। बाबर आजम। बाबर आजम। विराट कोहली एक्सपीरियंस में बाबर आजम से बहुत ज़्यादा आगे है विराट कोहली, और स्टैट्स बेशक बाबर आजम के अच्छे जा रहे हैं लेकिन एक्सपीरियंस में विराट कोहली आगे है एज ए कैप्टनशिप में। बाबर ऑलवेज नंबर वन है ओडीआई में, सेकंड पे कैप्टेंसी की बात कर रहा हूँ। कैप्टेंसी में भी वो ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह जीतेगा। देखें कोहली को तो क्रिकेट खेले हुए काफ़ी अर्सा हो गया है, क्योंकि बाबर को तो अभी आपको आए हुए थे कि 4-5 साल में, तो मेरे ख्याल से तो कोहली एक अच्छा कैप्टन है। ठीक है, कैप्टेंसी अच्छी कर लेता है, और बाकी प्लेयर वाइज भी देखा जाए तो एज अ कम्पेयर कोहली इज़ बेटर देन बाबर आजम। अच्छा, आपको ये लगता है कि बाबर आजम की कैप्टेंसी पर पाकिस्तान वर्ल्ड कप विन कर सकता है? देखें बाबर भी नो डाउट कि अच्छा प्लेयर भी है, एक अच्छा कैप्टन भी है, लेकिन थोड़ा सा उसको ग्रूम करना चाहिए। ग्रूम इसलिए करना चाहिए क्योंकि अभी उसके साथ एज अ यंग एज अ एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, तो साथ साथ उसको चलाएंगे तो बाबर भी इंशाल्लाह एज कंपेयर टू कोहली की तरह भी कैप्टन अच्छी करने लग पड़ेगा। कैप्टन तो कोहली है और बैट्समैन बाबर आजम। क्यों कैप्टन, क्यों विराट कोहली क्यों है कैप्टन? अच्छा, वो उसका तजर्बा है, काफ़ी पुराना प्लेयर है। अच्छा, आप कैसे देखते हो? भाई बात सुने, क्या चीज़ वो घर में? विराट कोहली बाबर आजम में कैप्टेंसी के हवाले से कौन बेहतर? विराट कोहली, क्यों? वो सीनियर प्लेयर है बाबर आजम से काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, बात की जाए अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम की, कौन सा एक प्लेयर है जो आपको बहुत पसंद है पाकिस्तान और इंडिया का? बाबर आजम। बाबर आजम और इंडिया में विराट कोहली। आप? फखर जमान और रोहित शर्मा। पाकिस्तान में तो बाबर आजम और इंडिया में विराट कोहली। ठीक है, अगर आप अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम को अगर मैसेज देना चाहो, ठीक है, मैनेजमेंट की, तो क्या मैं पैगाम दोगे कि यार पाकिस्तान की टीम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए? पाकिस्तान की पहले तो ओपनिंग वो स्ट्रांग होनी चाहिए ना जो है ही नहीं। ठीक है, वो नहीं नहीं वो तो मैनेजमेंट के हिसाब से शोएब मलिक और वो हफीज को ना जो सीनियर प्लेयर है उनको तो ज़रूर इन होना चाहिए स्क्वाड में। वकार यूनस और क्या नाम है दूसरा, मिसबा लाक को बाहर निकालना चाहिए, वो अच्छी नहीं। मिसबा लाक बहुत। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो उस हवाले से आपको कौन सी टीम अभी ज़्यादा है पॉइंट्स में लगती है? इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है एज अ मिड ऑर्डर। बॉलिंग से भी इंडिया स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग पाकिस्तान की टीम जो है कुछ पे बस एक दो प्लेयर्स हैं उन पे डिपेंड कर रही है, इंडिया की सारे जो हैं वो खेलने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप पाकिस्तान की टीम में क्या बेहतरी देखना चाहते हैं, क्या अगर उसमें प्लस पॉइंट्स जो कौन से प्लेयर्स ऐड किए जाएं तो वो वर्ल्ड कप विन कर सकते हैं या अच्छी टीम बन सकती है? यार बस मिडिल ऑर्डर सही होना चाहिए पाकिस्तान का, मिडिल ऑर्डर बहुत बहुत कम है, हिटर नहीं है पाकिस्तान के पास, सारे बस टोले ही हैं, यही हिसाब था। मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस को आजमाना चाहिए। ठीक है, जैसे हफीज और मलिक को उन्होंने बाहर बिठाया है, हफीज और मलिक को खिलाना चाहिए। सही। लास्ट टाइम जो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हुआ उसमें भी एक्सपीरियंस भी काम है, हफीज़ ने मतलब इतना रन बनाए हैं, तो वर्ल्ड कप में भी इसी तरह हफीज़ जो है और मलिक का साथ ज़रूरी है। तो आपने देखे हैं मुख्तलिफ लोगों के रिव्यूज़,
छोटे बच्चों के रिव्यूज़ भी देखे हैं, बड़ों के भी देखे हैं और एवरेज एजेस के भी देखे हैं, तो आपको पता लग गया होगा जिस तरफ स्टैट आपने देखी है कि पाकिस्तान को भी सपोर्ट करने वाले हैं, इंडिया को भी है। नो डाउट इंडिया एक अच्छी टीम है, अच्छा कैप्टन भी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।